Hi guys, myself Soumya and I welcome you on my YouTube channel Neat BioBird, which is especially for the bio lovers and the neat aspirants. So let's talk about today's video. Today's video is on the most interesting and the fabulous topic, which is the chromosome, जिसके बारे में आपने क्लास 12 की बायो एनसीईआरटी के यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में पढ़ा ही होगा, जिसका ये एक टॉपिक है, उसका एक पार्ट है ये. सो आज हम फुल क्रोमोसोम का डाइसेक्शन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना और वीडियो को एंड तक देखना. सो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो, द क्रोमोसोम. नाउ सो इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन. स्ट्रैसबर्ग डिस्कवर्ड ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. स्ट्रैसबर्ग ने सबसे पहले इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया था. तो स्ट्रैसबर्ग डिस्कवर्ड ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम बाय पेल्डियर. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दो पॉइंट्स मिलते हैं. वो है पहला यहाँ पे कि क्रोमोसोम का डिस्कवरर. फर्स्ट यहाँ पे है क्रोमोसोम का डिस्कवरर और दूसरा यहाँ पे है कि किसने क्रोमोसोम टर्म दिया था, तो वो है हमारे वॉल्डियर. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो कि एग्जाम में पूछते हैं कि हु डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रैसबर्ग. का आंसर होगा स्ट्रैसबर्ग. स्ट्रैसबर्ग ने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है वो ये है कि द टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय, द टर्म क्रोमोसोम है वो किसने दिया था. सो इसका आंसर होगा क्या, वॉल्डियर. वॉल्डियर ने ही ये जो क्रोमोसोम टर्म है वो दिया था. अब यहाँ पे हम स्ट्रैसबर्ग को जो डिस्कवरर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्रोमोसोम को बनाया है. उन्होंने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया है, इसका एक्चुअल मीन है कि उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम को सेल डिवीजन के टाइम पे ऑब्जर्व किया था. जब एक सेल में सेल डिवीजन हो रहा था तो इन्होंने ही सबसे पहले ये थ्रेड लाइक जो थिन स्ट्रक्चर्स हैं उनको ऑब्जर्व किया था, और जिसका नेम है स्ट्रैसबर्ग. अब हम बढ़ते हैं आगे तरफ. नाउ मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी में हम जानेंगे क्रोमोसोम के इंटरनल और उसके जो आउटर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके ब्रीफ में हम जाएंगे. नाउ द मॉर्फोलॉजिकल स्टडी of a chromosome is made during metaphase or anaphase. अगर हमको एक chromosome की morphological study करनी है तो उसको हम बहुत easily से metaphase और anaphase जो कि stage होती है एक cell division की, उस time कर पाते हैं. आपने अपने 12th class के या 9th class के NCERT के बुक में पढ़ा होगा, जहाँ पे cell division में 4 stage चलती हैं, जो कि होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. तो इसके अंदर जो मेटाफेज और एनाफेज स्टेज आती हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो बहुत इजली मतलब विजिबल हो जाते हैं. तो यहाँ पे हम क्रोमोसोम को इजली देख सकते हैं. तो अगर हम क्रोमोसोम को इजली देख पा रहे हैं तो उनको हम आसानी से उनकी हम ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे और उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी कर पाएंगे. तो इसलिए मेटाफेस और एनाफेस में क्रोमोसोम की ये मॉर्फोलॉजिकल स्टडी जो है वो आसानी से हो सकती है. नाउ इन हैप्लोपैपस ग्रेसिलेरिस ए डिप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन 4 क्रोमोसोम्स, व्हाइल इन ओफियोग्लॉसम रिगेलिस देर आर 1 to 62 क्रोमोसोम्स. इन हैप्लोपैपस ग्रेसिलेरिस, हैप्लोपैपस ग्रेसिलेरिस नेम का एक फ्लावर है जिसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, जिसके डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर ओनली 4 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं. बल्कि लेकिन दूसरी तरफ जो ओफियोग्लॉसम है, दूसरी तरफ जो ओफियोग्लॉसम रिगेलिस नाम का जो एक प्लांट है जिसको आप देख रहे हो राइट हैंड साइड की सेकेंड इमेज में, ये जो है इसका नेम है ओफियोग्लॉसम रिगेलिस. इसके अंदर 1 to 62 मतलब 1000 से भी ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है. तो ये पॉइंट से हमको ये पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट नंबर में क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट,
The haploid set of chromosome which is inverted is called genome. ये जो haploid set होता है chromosome का, haploid मतलब होता है single end, जो single होता है, और दूसरा आता है diploid. Diploid को बोलते हैं हम 2n, जो कि double होता है. तो यहाँ पे जो haploid set chromosome का जो change होता है, जो invert होता है, उसे कहा जाता है chromosome. मतलब पूरे genetic material जो कि क्रोमोसोम में होता है उसे हम एक साथ बोलते हैं जीनोम. नाउ फोर्थ पॉइंट, द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस के अंदर जो पूरा होल सेट होता है क्रोमोसोम का उसे कहा जाता है क्रोमोसोम कंप्लीमेंट. जैसे कि आप जानते हो कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं क्रोमोसोम कंप्लीमेंट. नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे पहला क्रोमोसोम आ रहा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम. तो अब ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, तो सेंट्रोमेयर इज एट द टिप. जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल टिप पे हो, बिल्कुल सामने हो ऑफ द क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम अपीयर रॉड शेप्ड. तो अगर हमें पहचानना हो कि ये क्रोमोसोम कौन सा है, तो हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को कैसे पहचान पाएंगे, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसके टिप पे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के टिप पे हमेशा यहाँ पे सेंट्रोमेयर होगा, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एक रॉड लाइक होगा. नाउ एक्रोसेंट्रिक, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमेयर इज सब टर्मिनल एंड क्रोमोसोम अपीयर रॉड लाइक हैविंग वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म. तो ये जो एक्रोसेंट्रिक होता है इसकी एक आर्म शॉर्ट होती है और एक आर्म लॉन्ग होती है, ये इसका मेन कैरेक्टर है. नाउ सब मेट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमेयर इज क्लोज टू द सेंटर, सेंटर से बहुत ही पास हुआ क्या सेंट्रोमेयर इसका, एंड क्रोमोसोम हैज टू अनइक्वल आर्म्स रिसेम्बलिंग एल शेप. तो ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं, इनकी जो क्रोमेटिड्स होती हैं, इनका जो शेप होता है वो आपस में अनइक्वल होता है, मतलब बराबर नहीं होता है, और ये एल शेप को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ लास्ट वन इज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है, सेंट्रोमेयर इज situated in the center of middle part of the chromosome and has two equal arms. It appears V-shape. ये show करता है V-shape, okay? तो metacentric जो है वो एक perfect chromosome होता है. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे centromere जो होता है वो दोनों chromosome के बिल्कुल middle part में present होता है, और इसके दोनों ही arm जो होती हैं वो V-shape रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब वी शेप की कंडीशन होती है, इस तरीके से होती है वो, और बीच में इनके यहाँ पे सेंट्रोमेयर होता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे ब्रीफ में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्रोमोसोम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम इज द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर. Each chromosome has a rod-shaped structure. The chromosome जो है वो एक wonderful gift है nature का. आप तो मानते ही होंगे chromosome जो है wonderful gift है. Chromosome की वजह से हमारी body में हर चीज है, हमारी body में एक genetic material है जिसको हमने DNA name दिया हुआ है, और ये जो chromosome है, और हर एक chromosome का जो structure है वो rod-like होता है. जैसे कि आप इस image में देख रहे हैं, इस image में जो chromosome है उसका जो structure है बिल्कुल rod-shaped है. ओके अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की. ड्यूरिंग मेटाफेज ए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, दीज क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सेंट्रोमेयर. तो सेल साइकिल की जो सेकंड स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज, जब वो मेटाफेज होती है तो क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स जो हैं वो बन जाती हैं. क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर होता है क्रोमोसोम का, जो सेंट्रोमेयर है उससे जो अटैच्ड ये जो आर्म्स होती हैं,
इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। दीज क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं ये आपस में अटैच रहती हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमेर। और ये कब बनती हैं? ये बनती हैं सेल साइकिल के मेटाफेज में। नाउ थर्ड पॉइंट, वेरी थिन क्रोमोसोमल मटेरियल इज कॉल्ड क्रोनोमेटा। और क्रोमोसोम का जो बहुत ही थिन टाइप का मटेरियल होता है उसको हमने नेम दिया है क्रोनोमेटा। तो ये टर्म क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट होता है बहुत। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल क्रोनोमेटा कॉइल्ड टुगेदर एंड एनक्लोज्ड इन ए सेपरेट कॉमन मैट्रिक्स कॉल्ड क्रोमेटिड। तो ये जो आपने आर्म देखी थी, ये जो आपने क्रोमोसोम की आर्म देखी थी, इन आर्म्स को हमने नेम दिया था क्या? क्रोमेटिड। इन आर्म्स को हमने नेम दिया था क्रोमेटिड। ओके, और क्रोमेटिड जो है वो कैसे बनती है? क्रोमेटिड बनी थी जब एक थिन, जब बहुत ही थिन लाइक स्ट्रक्चर जो थे जिनको हमने नेम दिया था क्रोनोमेटा, जब ये आपस में कंडेंस, जब ये बहुत आपस में कंडेंस होके जब ये कॉइल्ड हुए, जब ये साथ में कॉइल्ड हुए तो इन्होंने क्रोमेटिड लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो बन रही है क्रोनोमेटा से। सेवरल क्रोनोमेटा कॉइल्ड हो गए थे, आपस में कॉइल हो रहे इस तरीके से, एंड एनक्लोज्ड इन ए सेपरेट कॉमन मैट्रिक्स जिससे ये बनाते हैं क्रोमेटिड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलके, जब डीएनए, जब यहाँ पे जो डीएनए है जब वो मिक्स होता है प्रोटीन से, तब उससे बनना है पतले पतले थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बना रहे हैं क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड जो है, ये जो पतले पतले स्ट्रक्चर्स हैं, थिन स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे हैं क्रोमेटा। और ये जब आपस में एकदम डेंसली जब ये कॉइल्ड हो रहे हैं तब ये बना रहे हैं क्रोमेटिड। जो एक्चुअल में क्रोमोसोम की आर्म्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, और फिर जब ये क्रोमेटिड आपस में मिलते हैं तो इनसे बनता है क्रोमोसोम। तो ये एक पूरी स्ट्रक्चरल चेन है क्रोमोसोम की, और ये चेन जो क्रोमोसोम की है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप कभी भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं भूलेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्रोनोमेटा कॉइलिंग इज ऑफ टू टाइप्स। अब क्रोनोमेटा की जो कॉइलिंग होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज पैरानेमिक कॉइलिंग। कॉइलिंग इज ईजली सेपरेबल। अगर उसमें पैरानेमिक कॉइलिंग होगी तो उस कॉइलिंग को हम ईजली अनवाइंड कर सकते हैं, ईजली उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर वो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग है, अगर वो कॉइलिंग जो है वो प्लेक्टोनेमिक है, तो वहाँ पे जो क्रोनोमेटा होगा वो बहुत ही क्लोजली इंटरविंड होगा एंड इनसेपरेबल। तो फर्स्ट कॉइलिंग में क्या था? फर्स्ट कॉइलिंग जो है वो इजली सेपरेबल है, और जो सेकेंड कॉइलिंग है वो इनसेपरेबल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये डार्क क्रोनोमेटा इज कॉल्ड हेटरोक्रोमेटिन। जो डार्क क्रोनोमेटा होता है उसको कहा जाता है हेटरोक्रोमेटिन, एंड दी लाइट क्रोनोमेटा इज कॉल्ड ईक्रोमेटिन। यहाँ पे इनका परसेंटेज भी दिया गया है कि क्रोमोसोम के अंदर हेटरोक्रोमेटिन ज्यादा होता है और ईक्रोमेटिन कम होता है। तो यहाँ पे हम अपनी लास्ट स्लाइड में देख रहे हैं क्रोमोसोम का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसके ए पॉइंट में क्या है? ए पॉइंट में यहाँ पे हम एक फुल क्रोमोसोम की पिक्चर देख रहे हैं, जहाँ पे मिडिल में यहाँ पे इसका सेंट्रोमर दिया गया है, और ये जो इसकी आर्म्स हैं, इन आर्म्स को क्या यहाँ पे कह रहे हैं? इन आर्म्स को हम बोल रहे हैं, इन आर्म्स को तो हम आर्म्स ही बोलेंगे, बट इनके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है जिससे ये आर्म्स बनी है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, जो आर्म्स हैं ये बनी होती हैं क्रोनोमेटा के कॉइल्ड स्ट्रक्चर से। जब क्रोनोमेटा अच्छे से कॉइल्ड होता है तो उससे ये आर्म्स बनती हैं। ओके, और इसके बाहर, क्रोनोमेटा के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो फ्लूड फिल्ड है उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे इसके सिंगल आर्म की। तो यहाँ पे जो उसका टॉप मोस्ट जो स्ट्रक्चर है
इसे हम बोल रहे हैं क्या, टेलोमेयर। एंड द सेकेंड वन इज क्या, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। एंड मिडिल वन इज कॉल्ड क्रोमोमर्स, इसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं उनको हम बोल रहे हैं क्रोमोमर्स। एंड द सेकेंड वन इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट वन इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड वन इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। लास्ट में हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, लास्ट में इसका जो स्ट्रक्चर जो है, जो बल्ब आउट है, इसे हम कहेंगे क्रोनोमेटा एंड न्यूक्लियोलस एंड सैटेलाइट। सो आज का जो वीडियो है वो यहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे हमने क्रोमोसोम की डिटेल स्टडी की थी। तो अगर आपको वीडियो कहीं से भी बिल्कुल थोड़ा सा मेरा कोई आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।